एलिवेट में सबसे बड़ा बूथ स्पेस आता है सबसे ज्यादा ग्राउंड आती है बट असली टेस्ट के टाइम आपने कहा था हमें एक एस से उसका कंपेरिजन चाहिए विच वॉज नॉन अदर देन और आज हम आपके लिए लाए इन दोनों गाड़ियों का कंपेरिजन तो क्या सेकेंड रो में अच्छी जगह है म्यूजिक सिस्टम किसका अच्छा हेडलाइट का थ्रो किसका अच्छा सारे टेस्ट वो करेंगे जिसे आप एज अ कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी आपके लिए इन दोनों में से कौन सी सही है और किस हुआ है जैसे तो पहली चीज सब्सक्राइब कीजिए मोटर को और दूसरा पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी सो so, किस बात के लिए रुके हम लेट्स गेट द वीडियो

पहले से थोड़ा बेटर आई फील हुआ है ओवरऑल इसका जो थ्रो है, है वाइपर्स आते हैं वो रेगुलर वाले दिए हुए हैं so, सो आपके पास एक एक्सपेंसिव सेट ऑफ वाइपर्स भी आते हैं जैसे बॉश बनाते हैं अपने आई एम नॉट ट्राइंग टू पब्लिसाइज बट एक डिफ्रेंसिएशन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रेगुलर वाइपर आते हैं उनकी कॉस्ट समवेयर होती है पांच सौ छे सौ आर एटलीस्ट थ्री टू फोर एक्सपेंसिव अब जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए सेफ्टी है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सिक्योरिटी भी हो जाती है इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं रेड टाइगर का एफ सेवन एन प्लस डैश कैमरा फ्रंट में आपके पास 4K, रियर में आपके पास HD, दोनों वाइड व्यू रिकॉर्डिंग करते हैं और ये बहुत ही क्लियर है 3.2 इंच का डिस्प्ले आता है जिसपे आप वीडियो चेक कर सकते हो साथ ही में जीपीएस भी है टू एक्चुअली नो कि ये वीडियो का लोकेशन क्या है रेड टाइगर ऐप पे आप वीडियोस डाउनलोड भी करके इजीली उसे शेयर कर सकते हो आपके पास हार्डवायर किट भी आता है फॉर पार्किंग मॉनिटर सिस्टम जिससे आप एक्चुअली अपनी गाड़ी को सेफ कर सकते हो जब गाड़ी पार्कड भी है वैसे इस पर आपको एक साल की वारंटी आती है और साथ ही में इसमें आपके पास डोर स्टेप पिकअप दिया गया है वो भी पैन इंडिया इसका जो लिंक है ना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इन द डिस्क्रिप्शन Amazon से आप इसे परचेज कर सकते हो और कोई भी डाउट्स है आपको तो वो नंबर व्हाट्सएप का छोड़ रहा हूं जिससे आप इनसे कनेक्ट करके अपने सारे डाउट्स वहीं के वहीं क्लैरिफाई कर सकते हो सो दोनों व्हाट्सएप नंबर एंड Amazon लिंक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इन द डिस्क्रिप्शन डून नॉट फर्गेट टू चेक इट आउट अब अगर आप इन दोनों गाड़ियों के टायर साइजेस की बात करते हैं

अगर आप किया को देखते हो, तो like पे, तो पे एक स्मॉल साइज का सूटकेस बैठ गया और एक छोटी बैकपैक के लिए जगह थी एट द मोस्ट सो ऑलमोस्ट आपका बूट फुल हो गया था तो अगर एक फैमिली रोड ट्रिप पे जा रही है उनके लिए सफिशंट स्टोरेज स्पेस है इन द कियाटॉस वहीं पे होंडा एलिवेट फोर फिफ्टी एट लीटर्स का बूथ स्पेस है अगेन यहां पर भी नंबर पे मत जाना यहाँ पे हमने एक का suitcase, फिर भी काफी जगह बची थी टू एक्चुअली एड मे बी वन और टू मोर मीडियम साइज सूटकेसो सो इन टर्म्स ऑफ बूथ स्पेस मोर देन सफिशेंट आपके लिए लेकिन एलिवेट आपको देती है मच लार्जर बूथ स्पेस कंपेरिटिवली जिस वजह से इसको एक यहाँ एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज आ जाता है सेल्टॉस की की में आपके पास लॉक अनलॉक बूट ओपन एंड रिमोट स्टार्ट का फीचर दिया गया है एंड दिस की लुक्स फैंटेस्टिक होंडा एलिवेट में आपके पास लॉक अनलॉक एंड रिमोट स्टार्ट का फीचर दिया गया है गेटिंग इन एंड आउट में एलिवेट में में चढ़ना उतरने कोई दिक्कत है नहीं थोड़ी हाई ग्राउंड लेंस की वजह से अगर आप बुजुर्ग हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार वहीं पे सेल्टॉस से इज सीमलेस फ्रंट रियर कहां पे भी बैठना है बैठ जाओ इट्स क्वाइट इजी टू गेट इन द कार

सिटी हमेशा से जानी जाती है अपनी सीट्स के लिए एंड एलिवेट में सिमिलर सीट्स दिए गए so, काफी सॉफ्ट है तो अगर आप शहर के अंदर चला रहे हो इट्स nice हो पांच छह आठ घंटे पे तब आपको थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा आप थोड़ा सीट के अंदर ढसने लगोगे ये एक चीज है तो आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा वेन यूर डूइंग लॉन्ग फाइव सेवन आवर ट्रिप वरना इट्स वेरी कंफर्टेबल सीट

सनरूफ रूफ वाला नहीं है रेगुलर वाला है लेकिन फिर भी इसकी अगर आप साइज देखते हो तो ये काफी बड़ी है कंपेयर टू अ रेगुलर साइज सनरूफ इसका स्टेयरिंग व्हील टेलेकोपिक है यानी कि हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट किया जा सकता है ड्राइवर की सीट जो है वो कंप्लीटली मैन्यूअल एडजस्टमेंट है इसमें आपको इलेक्ट्रिक का ऑप्शन नहीं दिया गया है फ्रंट डोर पैड में आपके पास दो स्लॉट्स है तो एक एक लीटर की बोतलें यहाँ बैठ जाएगी आगे दो कप होल्डर्स है ग्लव बॉक्स इसका काफी बड़ा नहीं है इट्स क्वाइट स्मॉल इन साइज कंपेरेटिवली रियर पैसेंजर्स के पास डोर पैड में एक एक लीटर बॉटल रखने की जगह है एंड आर्म रेस्ट में दो कप होल्डर की भी जगह दी गई है चार्जिंग के लिए आगे 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया मोबाइल के लिए जो ऑन और ऑफ किया जा सकता है साथ में दो यूएस चार्जिंग पोर्ट फ्रंट में है एंड रियर पैसेंजर्स के लिए एक ट्वेल्व वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल कराया गया है एलिवेट की बैक सीट पे आपके पास अच्छी खासी स्पेस दी गई है तो हेडरूम की बिल्कुल कमी नहीं है इवन इफ यू आर अ पैसेंजर नी रूम भी बहुत बढ़िया है ओवरऑल आपके पास दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए अब सपोर्ट अगर आप देखते हो गाड़ी का तो वो ओके okay है और बेहतर हो सकता था पर क्या चीज मुझे पता है बहुत पसंद आई है इस गाड़ी की एक तो इसका रिक्लाइन थोड़ा बेहतर है कंपेयर टू मोस्ट अदर एस दूसरा जो इसका फ्लोर है ना वो एकदम फ्लैट स्ट्रेट नहीं है उसे एक एंगल पर रखा गया जिससे आप एकदम कंफर्टेबली पीछे बैठ के जा सकते हैं अब तीन लोग जब हमने बिठाए थे एलिवेट में तो ओवरऑल शोल्डर रूम डिसेंट है ना तो अगर हटे कट्टे तीन लोग पीछे बैठते तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे सेकंड चीज पता है क्या है जो इसका एसी वेंट्स है ना वो काफी पीछे तक आते है इस वजह से आपके पास वहां नी रूम काफी कम हो जाता है खास करके जो पैसेंजर बीच में बैठा है प्लस उसके पास बीच में हेड्रेस भी नहीं दिया गया है जहां एक तरफ एलिवेट के इंटीरियर्स क्लासी एंड सिंपलिस्टिक है वहीं पे सेल्टॉस के इंटीरियर्स काफी प्रीमियम एंड टेक्नोलॉजी फील्ड है यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती है यू गेट मल्टीपल कलर इंटीरियर्स अब आप जी लाइन ले रहे हो टेक लाइन ले रहे हो एक्स लाइन ले रहे हो यू गेट ऑल डिफरेंट कलर इंटीरियर्स फॉर ईच वन ऑफ देम सेटॉस की जो फ्रंट सीट्स है ना वो नही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है नही बहुत ज्यादा फर्म है सो so, टेक्निकली उनको कंफर्टेबल होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप अब यहाँ पे एक छोटा कैच है इसका जो साइड सपोर्ट है मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है तो अगर आप काफी वाइड है तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है इस सीट पे स्पेसिफिकली अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो मोर डेफिनेटली एक चीज करती है और के में वो है कि एलिवेट का इंटीरियर थोड़ा ज्यादा रूमी फील होता है एंड सेल्टॉस में अगर आप एक डार्क शेड लेते हो तो आपको थोड़ा क्लोस्टाइप फील होगा डिस्पाइट पास पैनोमिक सनरूफ यहाँ दिया गया अब सेल्टॉस में आपके पास बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं और अगर आप इसे एलिवेट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं ओवरऑल जितने फीचर्स एलिवेट में आते हैं मे बी उसके डबल आपको सेल्टॉस में टोटल मिलते होंगे बिकॉज दे आर लॉट ऑफ फीचर्स दैट द सेल्टॉस इज ऑफरिंग टूडे इन दिस एंटायर कैटेगरी आपको सेफ्टी फीचर्स भी सेल्टॉस में बहुत सारे आ जाते हैं इंक्लूडिंग द फैक्ट इसमें एडास जो है ना केवल फ्रंट के लिए बल्कि साइड एंड रियर दोनों एस्पेक्ट्स भी यहाँ कवर किए जाते हैं में आपको केवल फ्रंट के लिए एडाज के फीचर्स अवेलेबल कराए गए सेल्ट्रॉस के फ्रंट डोर पैड में एक एक लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएगी आपके पास आगे दो कप होल्डर्स की जगह भी है आर्म रेस्ट है फ्रंट में जो ज्यादा डीप नहीं है डिसेंट इनफ है ग्लव बॉक्स में भी अच्छी खासी जगह दी गई है सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास डोर पैड में एक एक लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएगी उनके पास रियर सीट में दो कप होल्डर्स भी आ जाते हैं इन द आर्मरेस्ट एज वेल चार्जिंग के लिए फ्रंट में आपके पास 12 वोल्ट यूएसबी और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ एक मोबाइल वायरलेस चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया रियर सीट में आपके पास दो चार्जिंग पोर्ट दिए गए दोनों टाइप सी अवेलेबल करा दिए गए सेल्टॉस का भी स्टेयरिंग व्हील टेलेस्कोप के लिए एडजस्टेबल है यानी कि हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट किया जा सकता है पर जो ड्राइवर की सीट है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दी गई है इसका जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है उस पर रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है यूआई की क्वालिटी भी अच्छी है प्रीमियम डेफिनेटली फील होता है एंड साथ में इसकी ब्राइटनेस भी अच्छी है तो इस वजह से आपको इसे यूज करने में कभी भी लैग फील नहीं होगा 360 कैमरा इस गाड़ी का काफी बढ़िया है ओवरऑल यूजेज में भी इजी है साथ में इसकी क्लैरिटी दिन में या रात में भी अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सो इट्स इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट 360 सिक्सटी राइट नाउ इन दिस प्राइस पॉइंट खुला खुला फील हो रहा है डिस्पाइट अट ऑफ ब्लैक इन द इंटीरियर तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट है विच इज अ गुड थिंग एंड साथ में अगर आपको एक्स्ट्रा प्राइवेसी चाहिए तो आप इसे रेज भी कर सकते हो या सन ब्लाइंड ओवरऑल था सपोर्ट थोड़ा और बेटर डेफिनेटली यहाँ भी हो सकता था जस्ट लाइक द एलिवेट यहाँ पे भी आपको थाई सपोर्ट थोड़ा कम दिया गया स्पेसिफिकली अगर आप एक टॉल पैसेंजर हो उसके अलावा सीट का रिक्लाइन इंक्रीज किया जा सकता था जिससे कम्फर्ट और बढ़ सकता है गाड़ी का कर देते हैं एलिवेट को स्टार्ट डाल दिया एंड ड्राइव मोड एंड हियर वी गो एलिवेट में आपको एक ही इंजन ऑप्शन आता है पेट्रोल 1.5 लीटर

ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है गियर शिफ्ट करना पड़ता है बार बार नहीं करना पड़ता है कि यार ओवरटेक करना है मेहनत करनी पड़ेगी वो सब नहीं होता है जाता है, इसमें। सिटी में चलाओ, पे भी चलाना है, है कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ अगर आपको बहुत तेज किसी को हंड्रेड हंड्रेड ट्वेंटी के ऊपर ओवरटेक करना है तब आपको गियर शिफ्ट करना पड़ेगा अब जो सीवीटी आती है सीवीटी टेक्निकली हैव गियर शिफ्ट्स बट इसमें आपके पास सेवन स्टेप दिया गया है इन सीवीटी में अलग अलग रेशियोज पे कॉम्प्लिकेटेड टर्म बोल रहा हूँ बट सिंपली समझ लो आपको सेवन स्पीड बना दिया है आपके लिए इन सीवीटी इज नॉट अ रियालिटी इसके जो पैडल शिफ्टर्स है वो काफी अच्छे हैं एंड इसे शिफ्ट करना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है सो so अगर आप सीवीटी लेते हो ट्राई एंड स्टार्ट यूजिंग पैडल शिफ्टर्स अगर आपको गियर शिफ्ट करने की आदत है इट विल मेक योर लाइफ वेरी कंफर्टेबल ओवरऑल बहुत ही बढ़िया गाड़ी है टू सिट इन एंड ड्राइव एंड स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है सो so, अगर आप शहर में हाईवे पे जाते हो यू हैव नो प्रॉब्लम यू नॉट फील द स्ट्रगल टू ड्राइव दिस कार एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपकी राइड क्वालिटी भी इस गाड़ी की काफी बढ़िया है आप गड्ढों से जाओ खराब रोड से जाओ आपको गड्ढे इतने आसानी से महसूस नहीं होंगे बेस्ट पार्ट पता है क्या है इसका आपको के दिख जाते हैं जिस वजह तो है, वो डिसेंट इनफ ऐसे नहीं कि गाड़ी बहुत रोल होती और रहने तेज इट्स क्वाइट कम्फर्टेबल तो आपको हैंडलिंग के मामले में भी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बट एक बात याद रखना दिस इज नॉट अ हाई परफॉर्मेंस इंजन या आपको इजिली ओवरटेक करवा सकती है कंफर्टेबली क्रूज करवा सकती है एट स्पीड इवन गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़ी है पर जो टर्बो पेट्रोल इंजन आज आते हैं मार्केट में जैसे में भी है वो इससे काफी ज्यादा तेज है कंपेरिटिवली हावेवर अगर आपको इससे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो इसमें आपको टर्बो किक नहीं आता बट यू हैव टू रेव द इंजन अ लॉट मोर जिससे आपका परफॉर्मेंस और बेहतर होगा सो दिस इज द ओल्ड स्कूल फॉर्मेट कि आपको गाड़ी को ज्यादा रेव करना है फॉर बेटर

तो आप डीजल इंजन की तरफ जाइए क्योंकि आपको वहां माइलेज काफी बेहतरीन मिलता है वेराज अगर आप टर्बो पेट्रोल देखते जो इनकी नई वन लीटर इंजन आई है वो बहुत बढ़िया पावर देती है एक्सीडेंट दबाओगे, थोड़ा लैग आता है परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त मिलता है तो इनकी जो 1.4 लीटर की टर्बो पेट्रोल इंजन थी वो थोड़ी लैगी थोड़ी स्लो थी कंपेरेटिवली तो ये इंजन उनकी ज्यादा बेहतरीन है और इसमें आपको पिकअप भी बहुत अच्छा मिल जाता है सेल्टॉस में एक बहुत मेजर कमी थी कि इसकी राइड क्वालिटी बहुत स्टिफ थी यानी कि आप गड्ढे से जाओगे तो आपको गड्ढे एक्चुअली फील होते थे बट अब वो कहानी नहीं रही है अब इसकी राइड क्वालिटी पहले से काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गई ओवरऑल सेल्टॉस की हैंडलिंग भी अच्छी खासी है कोई कंप्लेन नहीं है हमारी लेकिन आप एक बात याद रखना जो पिकअप आपको बहुत बढ़िया मिलता है

ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है अगर आपको राइड, हैंडलिंग का एक एक कंप्लीट मिक्सचर चाहिए। पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा ये, इससे पहले अगर आप छोटी गाड़ी चला रहे थे और आप पहले बार साइज की गाड़ी चलाओगे तो आपको इसे चलाने में शायद एक या दो दिन लगे टू गे गेट अकस्टम टू द जजमेंट वरना इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट आप आराम से इसे चला सकते हो हाईवे पे तो आप बैठ के एलिवेट डेडी वेल काफी अच्छा कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग था बट सेल्टॉस लॉट मोर कॉन्फिडेंट कम्पेटिवलीस्ट में भी राइड क्वालिटी में चढ़ान में कोई प्रॉब्लम नहीं है इट वॉज क्वाइट इजी टू गेट द कार टू मूव अपर सेल्टॉस विदो पेट्रोल वॉज सीमलेस इट वॉज डेफिनेटली मच बेटर इन टर्म्स ऑफ पिकअप सेल्ट्रॉस के सेकंड रो में तीन लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं शोल्डर रूम वाइज नी रूम इज एपोल्यूटलीन यहाँ हेड रूम इज ओके कुछ खास नहीं है थाई सपोर्ट इज आल्सो इनफ इससे पहले हम की तरफ बढ़े मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं फॉर योर सिक्योरिटी अभी जाके चेकआउट कीजिए रेड टाइगर का डैश कैम मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं इन डिस्क्रिप्शन एंड फॉर योर सेफ्टी जहां पे भी आप गाड़ी में बैठे इंश्योर कीजिए कि आपने हर बार सीट बेल्ट पहना है अब पहले होंडा एलिवेट की बात करते हैं होंडा ने इसमें आपको अच्छा खासा इंजन का परफॉर्मेंस दिया है एक ऐसी इंजन जो आपको गुड मिक्सचर ऑफ परफॉर्मेंस एंड माइलेज दोनों देती है एंड मोर देन दैट आपके पास काफी बढ़िया स्पेस दी गई है जो कोई और गाड़ी शायद ही आपको ऑफर कर पाए इन दिस प्राइस पॉइंट वहीं पे आपको सेल्टॉस मिल जाती है जो आपको बहुत ही बढ़िया वैल्यू देती है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स तो अगर आप एलिवेट का टॉप एंड देखते लगभग साढ़े उन्नीस लाख तक पड़ता है ऑन रोड मुंबई तो सेल्टॉस का जो मिड मॉडल है वो कही कहीं ना कहीं एलिवेट के टॉप मॉडल तक कंपीट करता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग फीचर्स एलिवेट में कहीं कुछ ज्यादा है सेल्टॉस में कहीं कुछ जा रहा है पर्सनल चॉइस टू पिक इन दोनों में से अगर आप एक मिड लेवल गाड़ी देख रहे हैं आपको सेल्टॉस में एडवांटेज हायर वेरियंट है उसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं

क्या डीलरशिप को लोगे रात को गाड़ी जो मेरे को रात को हेडलाइट ट्राई करना है क्या आप डीलरशिप को बोलोगे कि मैं दूसरी गाड़ी लेके आता हूँ तो तुम ये गाड़ी यहाँ लाओ मैं सबका म्यूजिक सिस्टम सुनूंगा एक साथ नहीं कर सकते आप तो वो सब काम हम आपके लिए कर रहे हैं तो ये दोनों गाड़ियों का वीडियो तो ऑलरेडी आपने देख लिया है लेकिन आप में से काफी लोग कहेंगे कि हमें मोटर ऑक्टेन का महा महाकंपेरिजन चाहिए अगर आप चाहते हो हम आपके लिए महा महाकंपेरिजन लाए तो हम कहेंगे आपने अगर ये वीडियो को पंद्रह हजार लाइक्स दिला दिए मैं आपके लिए खुद शूट करने वाला हूँ सेल्टॉस क्रेटा एलिवेट एस्टर ग्रैंड विटारा हाई राइडर कुशाक टाइगून इन सारी गाड़ियों का महाकंपेरिजन जस्ट फॉर यू तो अगर आप चाहते हो आपको मिले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड साथ ही में जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए आप में से काफी लोगों को लगता है ये मजाक हैं बस बोल दिया बना देंगे बट आप देखिए बैंडविथ कितना जाता है टाइम कितना जाता है पैसा कितना जाता है एफर्ट so तो लाएंगे और साथ ही मुझे गाड़ी अभी लेनी है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लू इतने ऑप्शन है तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो जी हम आपको ऐसी सर्विस देते हैं जिससे आप ऐसा अ कार बायर गलत गाड़ी के साथ एंड ना करो करना क्या है चले जाइए motoroctanecom डॉट कॉम स्लैश कार एफ एन कंसल्टेंसी वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विथ एंड एक्सपर्ट बहुत ही आसान है और साथ ही में अगर आप गाड़ी आज नहीं ले रहे आप ले रहे हो गाड़ी छः आठ महीने बाद और आप जानना चाहते हो नई गाड़ियां मार्केट में क्या आने वाली है तो फेक न्यूज़ से बचिए और motroctane.com/news रोजाना चेक कीजिए दिन में एक बार जाइए motroctane.com/news पे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके सारी गाड़ियों पे दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो टेक केयर बाय